बैठो। लाश का पोस्टमार्टम हो गया? जी जनाब, लाश कल रात ही जिले हेडक्वार्टर के अस्पताल भिजवा दी थी पोस्टमार्टम के लिए। क्या रिपोर्ट आई? साहब वो असलम की अपनी पिस्तौल से गोली चली है, वही जो बॉडी के पास पिस्तौल मिला। और फिंगरप्रिंट्स? फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आने में तो हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे जनाब। रिपोर्ट बड़े शहर की लेबॉर्ट्री से आएगी, यहाँ आसपास के किसी भी ज़िले में ऐसी सहूलत मौजूद ही नहीं। इस डिस्ट्रिक्ट के तो सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम भी सरसरी तौर पर होता होगा। बॉडी को मुल्तान भेजना पड़ेगा फॉरेंसिक के लिए। जी जनाब, ऐसा ही है। मुझे असलम के कत्ल के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। तुम दोनों दिन रात एक कर दो, मुझे इसकी मौत के पीछे की साजिश जाननी है। जाता था योगम साहब, ये इसका कोई घर वाला नहीं है, कोई करीबी रिश्तेदार? उसका कोई करीबी नहीं है जनाब। मैंने हवेली में भी खबर भिजवाई थी जहां वो मीरेल के लिए काम करता था कि आकर लाश ले जाए तदफीन के लिए, लेकिन उन्होंने तदफीन करने से इनकार कर दिया और कहा है कि अगर पुलिस चाहे तो उसे खुद लावारिस समझ के दफना सकती है। उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया? जी जनाब, हालांकि असलम ने उधर बरसों उनके लिए काम किया। यही तो बात है असगर, ये जो जागीरदारों के अंधे वफादार है ना, अगर इन्हें इस बात का एहसास हो जाए ना कि इनकी अंधी तकलीद और वफादारी इनके बुरे वक्त पे किसी काम नहीं आनी, तो शायद दूसरा असलम पैदा ही ना हो।